अभी तक दोस्तों हम लोग हाईवे पर थे, लेकिन अब यहाँ से हाईवे हम छोड़ देंगे। और ये देखिए, ये सारे जंगली इलाके हैं, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बसे हुए गांव। तो हम लोग देखिए, रूट दिख रहा है आपको पतला सा, हम लोग इस रूट पे चढ़ेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल पहाड़ी के शिखर पर जाना है। और ऊंचाई समुद्र तल से 8,960 फीट की ऊंचाई है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। और रास्ते भी बड़े ख़तरनाक हैं, यहाँ पर बिल्कुल पतला सा रास्ता जाता है, उस पर मतलब गाड़ी चलाना बहुत ही हिम्मत की बात है। और हम लोग जा रहे हैं पराशर लेक, जो कि पराशर मुनि का आश्रम है, और वहाँ पे एक प्राकृतिक झील है छोटी सी, वो अद्भुत झील हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। और ये देखिए रास्ते कितने यहाँ के ख़तरनाक हैं। दूसरी तरफ यार रेलिंग भी नहीं लगा हुआ है, काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। और बिल्कुल पतला है, अगर एक गाड़ी आ जाती है तो दूसरी गाड़ी पास करने में बड़ी मुश्किल होती है। और बिल्कुल ही जंगली बियाबान रास्ता है। तो हम लोग निकल रहे हैं आगे, और समय भी शाम हो चुका है, और थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। देखिए बिल्कुल चढ़ाई भी है, काफ़ी चढ़ाई है, और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रुकने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आगे बढ़िया जगह मिलता है तो रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है ऊपर चढ़ने में, जितना ऊंचाई पर हम जा रहे हैं तापमान बिल्कुल गिरता जा रहा है, और ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैकेट वगैरह दस्ताने वगैरह पहनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और अभी अपने पंजाब में भरपूर गर्मी है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल तापमान 5 डिग्री पर आ चुका है, और बिल्कुल घना जंगल है, घने जंगलों के बीच से रास्ता जा रहा है। यहाँ पर डर भी लगता है जानवरों का, क्योंकि रास्ता बहुत कम चलता है, लोग बहुत कम आते जाते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, तो डर तो बना रहता है। रास्ते भी टूटे फूटे हैं, लेकिन एक जुनून है कि हम पराशर ऋषि के आश्रम में पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। बहुत ही खतरनाक रास्ता भाई, अगर कभी आपको आना हो तो बस से आना, मोटरसाइकिल से कभी भी मत आना। ये देखिए एक गाड़ी निकली किसी तरह से, बाकी तो कोई मिलता नहीं यहाँ पे रास्ते में। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो कोई सुनवाई नहीं है, आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यहाँ पर धूप भी बहुत कम पड़ती है, थोड़े से जब सूर्य देव बिल्कुल ऊपर को जाते हैं फिर धूप आता है, लेकिन उसके बाद धूप फिर ख़त्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड होती है, पहाड़ों से पानी रिसता रहता है। और ये घना जंगल है, भालुओं का इलाका है, तो भालुओं का भी डर बना रहता है। बाकी हम पूरा शेयर कराएंगे आपको, पूरा यात्रा विवरण दिखाएंगे, पराशर लेक का कैसे कैसे हम लोग गए, कहाँ पे रुके, तो सब पूरे यात्रा का विवरण आपको दिखाएंगे। और यह एरिया बिल्कुल ही सन्नाटा भरा होता है, और ख़ास करके जब शाम होती है तो यहाँ पे जानवरों की चहलकदमी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और इस समय शाम के 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर 4 बजने का मतलब बिल्कुल शाम ढल गई है, और बिल्कुल सन्नाटा आप देख ही रहे हैं। ये रास्ता मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि आप रास्ते देख देख के हो सकता है बोर हो रहे हैं, लेकिन भाई ये ट्रेवल ब्लॉग है, तो आपको अपने ट्रेवल का विवरण दे रहा हूँ कि हम किस किस रास्ते पर गुजरते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा लाइक तो बनता है यार, और अपने दोस्तों और
फ्रेंड को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और आपका लाख लाख धन्यवाद है कि हमारी वीडियो को आप देख रहे हो, और हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर शाम ढलने के बाद जानवरों की चहल कदमी बढ़ जाती है, और कहीं धूप निकलती है थोड़ी सी, फिर छुप जाती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और सूरज भी ढलने ही वाला है। बिल्कुल सामने सूरज नज़र आ रहा है, देखिए बिल्कुल सामने सूर्यास्त का समय बस कुछ ही क्षण में होगा। और ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर इस समय का तापमान हम आपको दिखा रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस। और देखते हैं, रुक करके थोड़ा हाथ सेकते हैं। हमारे पंजाब में गर्मी का मौसम है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी सर्दी है। कोई अच्छी सी जगह देख के, सुरक्षित स्थान देख के आग जलाएंगे, क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहे हैं मोटरसाइकिल चलाने में, और रास्ते बहुत ही संकरे हैं, पतले से हैं। बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही घना जंगल है, तो कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पे ना आ गए हों, लेकिन मैप जो है इसी रास्ते पे ले जा रहा है, तो हम लोग चल रहे हैं। और एक कार दिखाई दी है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। यहाँ पर रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब इस समय हम लोग ये देखिए परासर जा रहे हैं, और जंगल में खड़े हैं, तो जंगल से रोड निकलता है, और ये भालुओं का गढ़ है। देखिए हालांकि यहाँ पर रुकना खतरनाक होता है, लेकिन अभी लोग आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और रात के समय जानवर एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ही घना जंगल है, देवदार के पेड़ है, देखिए बिल्कुल ही ऊंचा ऊंचा, बहुत ही ऊंचा है, खत्म ही नहीं होता पेड़, यहाँ से जड़ जा रहा है। और बीच से पतला सा रोड निकलता है, सिंगल गाड़ी जा सकती है। और फुल यहाँ पर सर्दी है, 2 नवंबर है आज, अभी अपने उत्तर प्रदेश में पंजाब में गर्मी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सर्दी है। हम लोग जैकेट पहने हुए हैं, इन्होंने दस्ताने भी पहन लिए हैं। दस्ताना दिखाइए सर जी, कैसा होता है? ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर तो लग रहा है 5 डिग्री कम से कम। तो इस समय हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, और इधर कोई नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा है। हम लोग सोचे यहाँ पे चाय मिल जाएगा, ये भी बंदा नहीं है, फरार है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ठंड काफी लग रही है, और माचिस भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आग जला लेते। यहाँ पे लकड़ तो है, किसी ने आग जला के एक ही आग जलाया हुआ था, लकड़ वगैरह है। तो फिलहाल चलते हैं आगे, चला जाए जी। सर जी चलिए मंजिल पर, और यहाँ पे बैटरी भी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, क्योंकि ठंड है। ऑक्सीजन अभी तो भरपूर है, अभी ऊपर जा करके ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। वैसे पहाड़ी पर पूरी धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी ठंड लग रहा है। चलिए भाई गाड़ी स्टार्ट करिए।